खबर श्रीमाधोपुर से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश भर में दौरे कर जन सामान्य की समस्याओं को समझकर उनका त्वरित गति से समाधान करने में लगे हैं। वहीं पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से हिदायत दे रखी है कि वे जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करें। वहीं कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी के लिए जी तोड़ मेहनत कर दिन रात जनता के हितार्थ कार्य में लगे रहे, फील्ड में रहकर काम करें और जनता के दुख दर्द को स्वयं का दुख दर्द समझते हुए उनका समाधान करें। ये बात आज यहाँ श्रीमाधोपुर अजीतगढ़ कस्बे और आसपास के गांवों एवं ढानियों में जनसंपर्क के दौरान युवा नेता एवं खटकड़ के पूर्व सरपंच बलराम यादव ने कही। बलराम यादव क्षेत्र में निरंतर दौरे कर जन सामान्य तक अपनी पहुंच बना रहे हैं और साथ ही लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और समस्याओं का समाधान त्वरित गति से करने में लगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्य योजनाओं तथा पार्टी की रीति व नीतियों को आमजन तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम खटकड़ के पूर्व सरपंच बलराम यादव ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। जनता कांग्रेस सरकार को उसकी जन कल्याणकारी नीतियों योजनाओं तथा आम जनहितार्थ किए जा रहे कार्यों के बल पर फिर से चुनेगी। वह उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह लोगों की जन भावनाओं को भड़काकर सत्ता प्राप्ति के लिए तत्पर रहती है। श्रीमाधोपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार बलराम यादव ने कहा कि वादे पूरे करने वाली सरकार को फिर से लाना है, रिवाज बदलकर कांग्रेस को जिताना है, छल करने वाली भाजपा को सबक सिखाना है। यादव बोले, सरकार के कामकाज, ऐतिहासिक योजनाओं और भूतपूर्व फैसलों को देखकर भाजपा के पास कहने और करने को कुछ बचा नहीं है। इनका प्रोपेगेंडा, अफवाह, भ्रम, दुष्प्रचार भी अब चल नहीं रहा। वहीं बलराम यादव ने राजस्थान की जनता से आह्वान किया कि वह भाजपा की कथनी और करनी को समझे और सही अर्थों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को विकास की पथ की ओर अग्रणी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें।